इंडिपेंडेंट होकर अच्छी तरह से इस बिजनेस को प्रोफेशनली कर पाए और अपना एक शानदार और नेटवर्क तैयार कर पाए और अच्छी इनकम पर पहुंच पाए, यही मेरा मकसद है। नहीं हूं, लेकिन हम सेठ चौक के सच्चे सिपाही हैं। Yes. हम सेठ चौक के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और मैं अपने बारे में बताऊं, आज के दिन सेठ चौक में मुझसे पहले का कोई भी एसोसिएट या लीडर जिंदा नहीं है। सेठ चौक की स्थापना कब हुई थी? 2001, 14 दिसंबर 2000। और मैंने ज्वाइन किया था सेठ चौक को 7 अप्रैल 2001। तो सेठ चौक स्टार्ट हुई 14 दिसंबर 2000 में। मैंने कब ज्वाइन किया? 7 अप्रैल 2001 में, यानी कि कुछ महीने बाद में। और मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं, मुझसे पहले का कोई भी एडवाइजर, कोई भी लीडर आज सेठ चौक में जिंदा नहीं है। तो क्या मैं पहला तो नहीं हूं? नहीं हूं ना पहला? जवाब दीजिए ना। नहीं। सुन सकते हैं मेरी आवाज? तो आपकी आवाज आनी चाहिए ना। मैं भाषण देने नहीं आया हूं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो रावत जी थे, नटराज जी थे, उस वक्त कुछ लोग थे, रामनाथ जी थे, रसीद भी ला करती थी। ज्यादातर सेल्स कैश में जमा होती थी या ड्राफ्ट आते थे, तो हर एक आदमी को फिजिकल रसीद मिलती थी हाथ से बन के, उस पे सीरियल नंबर लिखा होता था। आपको बताओ मेरा सीरियल नंबर कितना था? 2443। यानी कि मुझसे पहले 2442 एसोसिएट सेठ चौक को ज्वाइन कर चुके थे। 2442 आज के दिन इस दुनिया में सेठ चौक की दुनिया में नहीं है। आपको अक्सर फील्ड में जाकर सुनने को मौका मिलता होगा कि जो लोग पहले ज्वाइन हो जाते हैं वो ज्यादा कमा जाते हैं, है ना। आपके लीडर से छोड़ के चले गए धोखेबाज लोग, वो भी ये बोलते होंगे अभी टॉप लेवल पे आ जाओ, सीनियर पोस्ट पोजीशंस पर आ जाओ, क्योंकि जो पहले आते हैं वो ज्यादा कमाते हैं। मुझसे पहले 2442 आए थे, कहां गए? भगवान के पास। तो ये बात समझ में आई आपको कि जो पहले आते हैं वो नहीं कमाते हैं, जो आते हैं और लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे जुनून के साथ में काम करते हैं, वही कमाते हैं। पहले आने से, बाद में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आते हैं और अपने पैर जमा लेते हैं वहां पर और हिलते नहीं है, जिनका विश्वास डगमगाता नहीं है, वो कमाते हैं। बात क्लियर हुई? यस। जैसा आपके साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ, और मेरे साथ कई बार हुआ, स्पेशली दो बार बड़े वाक्या ऐसे रहे मेरे साथ में जब मैं इस बिजनेस को छोड़ सकता था। पहली बार तो जिसने मुझे ज्वाइन कराया, जिनसे मुझे इनिशियल पूरी नॉलेज मिली बिजनेस को लेकर, जो मेरे लिए रोल मॉडल थे, जिनसे मैं प्रेरणा लेता था। और इनफैक्ट मैं नहीं, वो सेठ चौक के नटराज जी जानते होंगे शायद, सकल याद आ जाए, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ उनका, सफेद बाल मेरे अपाई एक्स बैंकर, मैं नाम भी लेना चाहता क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। नटराज जी को याद आ गया होगा, उम्र थी उनकी, एक्सपीरियंस था उनके पास, बहुत अच्छी शानदार पर्सनैलिटी थे। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था बिजनेस में, इनिशियल बेसिक जो नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की जो चाहिए होती है मुझे उनसे मिली है, और उसके बाद वो मेरे लिए लाइब्रेरी बन गए। उनके पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास थी, उनको अपने दूसरे लेग में भी जाना होता था तो मुझे ले जाते थे, मान साहब मेरे साथ चलोगे? तो मैं उनके लिए ड्राइवर बन गया था। मेरे नेटवर्क में जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब उनको अपने दूसरे लेग में जाना होता है तब भी मुझे रिक्वेस्ट करते थे, और मैं उनकी रेस्पेक्ट की वजह से मैं उनके दूसरे लेग में भी जाता था और वहां पर भी जाके काम करता था। उसके बाद उनके अंदर नेगेटिविटी भरती गई और वो नेगेटिविटी मेरे अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। वो सेठ चौक के बारे में पहले तो बहुत अच्छा अच्छा बताया करते थे, उन्होंने सेठ चौक की बुराइयां करना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर्स की बुराई करना शुरू कर दिया, सेठ चौक की संसद के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि इनके साथ में रहकर मैं इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझसे उधार ले लिए, कुछ जितना मैंने कमाया था उन दिनों तक, मैंने रिकॉर्ड बनाए थे शायद आपको ना बताओ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पहले महीने की सेल्स थी 167। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2001 का।
में मैंने पहले महीने में 100,00,000 रुपए कमाया था, दूसरे महीने में मैंने 30 MMT सेल्स की थी 372, और दूसरे महीने में मैं पार्ट टाइम काम करके मैंने 1.5 लाख से ज्यादा कमाया था। आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज भी अगर पहले महीने में कोई 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाए तो एक बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं होता है? अरे आईएएस की सैलरी होती होगी शायद। आज की मैंने आज से 22 साल पहले पहले महीने में 100,00,000 रुपए कमाया था, दूसरे महीने में 1.5 लाख कमाया था, और उसके बाद उससे बड़े बड़े अमाउंट मैंने कमाए थे। लेकिन जितना कमाया था उतना इन साहब ने मेरे से उधार ले लिया किसी बहाने से, और उसके बाद कोई और कमी ज्वाइन कर ली, और मैं अपने पैसे मांगता था उनको फोन करके कि मुझे मेरी पेमेंट चाहिए, मुझे जरूरत है, और ये कहते थे आ जाओ मिल लेते हैं कहीं पर, और ये कई एड्रेस देते थे, मैं वहां पे पहुंच जाता था और पता लगता था वो किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस होता था। मैं पैसे लेने की उम्मीद से जाता था और ये कहते थे ठीक है पैसे तो हो जाएंगे लेकिन एक काम करो ये पैन देख लो उसके बाद बात करते हैं, और मैं बोलता था कि मुझे तो सेफ शॉप के अलावा कुछ और समझ में आएगा नहीं, मैं ये प्लान वगैरह देखूंगा नहीं, तो प्लीज अगर पेमेंट दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं तो मैं चलता हूँ। ठीक है मैं अरेंज करता हूँ, ऐसे करके बात हो जाती थी। उस दिन बाद फिर फोन करता था तो कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस होता था और वहां पे बुलाते थे, और मैं जाता था ये सोच के कि पैसे मिलेंगे, और वहां पे क्या मिलता था, ये नया प्लान आ गया, ये नई कंपनी आ गई, ये ज्यादा अच्छी है। तो जो रेस्पेक्ट थी उनके लिए दिमाग में दिल में वो खत्म होकर क्या हो गई कि ये झोला छाप गया, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे अपना काम इंडिपेंडेंटली कर लीजिए करने दीजिए। लेकिन वो बार बार क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरे साथ में आ जाएगा तो मेरा नेटवर्क बन जाएगा फिर से दोबारा से, वो कोशिश करता रहता था और मैं टालता रहता था। एक बार मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि सर आज के बाद मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा, तो उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया। पता क्या बोला, आज के बाद सेफ शॉप में जलजला आ जाएगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको ले जाऊंगा उस कंपनी में जिस कंपनी में मैं अब काम कर रहा हूं। आपके लीडर्स भी ऐसा कुछ बोल रहे होंगे, सबको ले जाऊंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा, जलजला आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मेरी टीम से मुझे वो वर्ड यहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि सम्मानित भाई बहन मेरे यहां पर बैठे हुए हैं, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं और एक और भी होते हैं, मैंने वो वर्ड इस्तेमाल किया था। मैंने कहा मेरी टीम से आप 3 वो वाले लेके गए हो, अगर आप में दम है ना तो मेरी टीम से 4th आदमी निकाल दीजिए, मैं सेफ शॉप से छोड़ दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है, तो मेरी टीम से वो 4th आदमी वापस मेरी टीम से निकाल नहीं पाए और वो 3 भी मेरी टीम में वापस आ गए। ये आपकी पकड़ होनी चाहिए आपके नेटवर्क के ऊपर, ये आपके पर्सनल रिलेशन कैसे है आपकी टीम के साथ में ये उस पर डिपेंड करता है। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई, आज तक उनका कभी दोबारा फोन नहीं आया, वो कहां पर रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि अगर वो कामयाब होते, वो किसी बड़े लेवल पर होते तो कहीं ना कहीं तो उनका नाम आता, कहीं ना कहीं तो वो दिख जाते, कहीं ना कहीं तो उनके बारे में सुनने को मिल जाता। 3 साल पहले की बात है, जो मेरे अपलाइन थे उनके बाद में जिनको मैं उस वक्त जानता भी नहीं था, बाद में पता लगा ये हमारे अपलाइन है जिनको क्राउन एम्बेसडर कहा जाता था, थे सेफ शॉप के सबसे सीनियर एसोसिएट थे, वो सबसे सीनियर लीडर थे, आप लोग भी कभी ना कभी उनसे शायद मिले होंगे या उनका बारे में सुना होगा। उन्होंने अपनी कंपनी बना ली सेफ शॉप के बारे में, पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें फैला दी, पता नहीं क्या क्या झूठ फैला दिए, उन डायरेक्टर्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली गई जिन्होंने उनको बच्चों की तरह पाला, अपने छोटे भाइयों की तरह पाला, उनके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई उन्होंने। सुनना चाहोगे क्या क्या? सोनी साहब हमारे डायरेक्टर फाइनेंस हरीश सोनी जी के बारे में बोला गया उनको थ्रोट कैंसर है, 6 महीने से ज्यादा के मेहमान नहीं है, ये लीडर्स को बताया गया सीनियर मोस्ट लीडर के द्वारा, 6 महीने से ज्यादा के मेहमान नहीं है, उनके बेटे को उनकी फैमिली को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रजत वर्मा सर पुर्तगाल में सेटल हो गए हैं, राजू आनंद सर ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली है, बाकी किसी डायरेक्टर को सेफ शॉप में इंटरेस्ट नहीं है, सेफ शॉप मैक्सिमम 2 या 3 महीने चलेगी बस। ऐसा अगर कोई सीनियर मोस्ट लीडर अपने डाउनलाइन को जाके बताए तो क्या समझ में आएगा कि फ्यूचर खतरे में है, इसलिए ऐसा होने से पहले हमने अपनी खुद की कंपनी बना ली।
ऐसा होने से पहले आपके लिए हमने अपनी खुद की कंपनी बना ली, आइए हमारी कंपनी में आ जाइए। तो बहुत सारे लोग उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में और ये जो बकवास उन्होंने फैलाई वो बातें सुनकर उनके साथ चले गए। वो कंपनी आज तक खुली नहीं, आज तक वो कंपनी चली ही नहीं, उसकी वेबसाइट नहीं बनी, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला। और जब धीरे धीरे वो गलत फहमी दूर हुई, जब मैंने उन लीडर से कॉन्टेक्ट किया तो वो वापस आ गए। मैं नहीं हिला। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि अगर सेफ शॉप में इतनी सारी दिक्कतें थी जो आप बता रहे हैं तो फिर मान साहब आपके साथ में क्यों नहीं आए, वो तो सबसे सीनियर थे ना आपके, वो तो सबसे रिलायबल आदमी थे ना आपके, तो झूठ फैलाना शुरू किया। सेफ शॉप में हमने जानबूझ के छोड़ा हुआ मान साहब को ताकि बचे हुए लोगों को भी लेके आ जाए। फिर वो चला नहीं, क्योंकि कुछ दिन चल सकते थे झूठ, फिर वो चला नहीं। फिर एक और झूठ फैलाया, मान साहब को सेफ शॉप ने सैलरी पर रख लिया है, मान साहब नौकरी कर रहे हैं वहां पर। कितनी अच्छी कंपनी है कि मान साहब कभी कभी ऑफिस में आते हैं और सेफ शॉप सैलरी दे दिया। फिर अफवाह फैलाई, सेफ शॉप ने मान साहब को हमारी आईडी दे दी। झूठ तक कितनी भी बोल सकते हो, पर सच में और झूठ में जो फर्क होता है वो थोड़ी देर बाद पता लग जाता है। झूठ जो होती है ना वो एक डेड बॉडी की तरह होती है, लाश, उसको पानी में डाल दीजिए आप, वो एक आध दिन तो पड़ी रहेगी पानी की तली में, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लाश तैर कर पानी की सतह पर आ जाती है। तो सच सामने आ जाता है, झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से उन लीडर से भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, एथिक्स नाम की कोई चीज होती है? yes. होती है yes. मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था,